नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय राजेश्वर भगवान। आज हम हिंदी विषय में नरपत बारहट हड़वेचा लेखक का एक महान भारत की व्यक्ति महाकवि कालिदास, मेघदूतम, ऋतु संहार, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम जैसे बड़े बड़े काव्य संग्रह और नाट्यांशों का लेखन करने वाले भारत के महान लेखक और महान व्यक्तित्व महाकवि कालिदास के बारे में एक पाठ है, जिससे यह संदेश मिलता है हमें कि व्यक्ति मेहनत करता है, व्यक्ति किसी भी चीज़ पर लगन करके काम करता है तो सचमुच उसे सफलता मिलती है, जिसमें कोई दो राय नहीं। हम हमारे जीवन में कुछ ठान लेके हमें ये करना है तो हम कर सकते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति से लेकर एक महान ऋषि और महान व्यक्ति बनना तक की सफर जब हमें मौका मिलता है तब हम करते हैं। कालिदास की बात करें तो बचपन में एकदम बुद्धू थे। बुद्धू यानी एकदम कमजोर व्यक्ति थे पढ़ने में। उस समय पढ़ाई तो नहीं थी, लेकिन एकदम जिसको कहे कि मूर्ख व्यक्ति थे। लेकिन एक अच्छी व्यक्ति का संग करने के साथ और एक मन में ठान लिया कि मुझे कुछ भी करके एक महान व्यक्ति बनना है, वो उनकी ठान के कारण महान व्यक्ति बने थे, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कालिदास की बात करें तो कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित के रूप स्वरूप में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। कालिदास ने अपने बारे में कभी लिखा नहीं है, लेकिन कवि बाण ने उनके बारे में लिखा है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हो गए। कालिदास के बारे में कवि बाण ने अपने लेखों में लिखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कालिदास पहले हो चुके थे फिर बाण हुए थे। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितना ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में, पहेलियों में, लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन किया है और एक महान कवि के बारे में हम उनको याद करते हैं। कवि कालिदास की बात करें, उनके जीवन परिचय के बारे में बात करें तो कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। हमको ये बात नोट करनी है, कालिदास का जन्म ईस्वी सन 365 और निधन 445 ईस्वी सन, यानी कालिदास ने कुल मिला के 70 वर्ष की आयु थी उनकी। महाकवि कालिदास के जन्म के बारे में ठीक ठाक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी माना है, जो अभी उज्जैन के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कालिदास का जन्म स्थान उज्जैन था, जो सही लगता है कि क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी इधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया गया है। उज्जैनी में इन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। उज्जैनी की बात करें विद्यार्थी मित्रों, तो उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज था। वहां की प्रजा सब बेकार और सुखी थी, सभी प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। तो हमारे हिंदू धर्म में हम जो विक्रम संवत कहते हैं वो विक्रम